नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर जौनपुर जनपद के अंतर्गत आने वाली मडियाहू तहसील की है, जहां एक युवक ने पत्नी और तीन बच्चों की हत्या करने के बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस विभाग के आला अधिकारी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राम प्रसाद यादव, भारत ने। सर, ये भी जयरामपुर मामले में कुछ नया मोड़ आया है, उसके बारे में बताएं। जयरामपुर में जो मृतक नागेश विश्वकर्मा द्वारा स्वयं और अपनी पत्नी और अपने तीन बच्चों की हत्या करके स्वयं उसने जो आत्महत्या की है, उस प्रकरण में मौके से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उनकी छानबीन के दौरान मृतक के भाई त्रिभुवन विश्वकर्मा के मौजूदगी में एक पतली सी कॉपी भी मिली है, जिसको चेक किया गया तो उसमें मृतक नागेश विश्वकर्मा के द्वारा यह लिखा गया है कि वो स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या का जिम्मेदार है और उसके द्वारा ऐसा इसलिए किया गया कि भानु प्रताप विश्वकर्मा पुत्र वंशराज निवासी सलारपुर थाना नेवड़िया के माध्यम से उसने शिव आश्रय सिंह पुत्र स्वर्गीय सरजू प्रसाद सिंह, जो ककोरी जलालपुर के रहने वाले हैं, जिनका विद्यालय सरजू प्रसाद कन्या पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय है, उसमें चपरासी की नौकरी के नाम पर उसने 7 लाख रुपए शिवाश्री सिंह को दिए थे, लेकिन शिवाश्री सिंह न तो ये पैसा वापस कर रहे थे न तो नौकरी दी। ये पैसा भानु प्रताप विश्वकर्मा ने मध्यस्थता करके उनको दिलवाया था। इसी कारण से परेशान होकर मृतक नागेश विश्वकर्मा द्वारा ऐसा कृत्य किया गया। इसकी लिखित तहरीर भी मृतक के सगे भाई त्रिभुवन विश्वकर्मा द्वारा दिया गया है और जो कॉपी में सुसाइड नोट मिला है उसको संज्ञान में लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है समुचित धाराओं के अंदर। दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं, उनको पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इसमें अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।